देहात थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा 10,000 रुपए के इनामी दो वांछित अभियुक्त गणों को 1 किलो 250 ग्राम गांजा व 1 अवैध तमंचा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी डेरापुर के नेतृत्व में थाना बरौर पुलिस टीम द्वारा 10,000 रुपए के इनामी दो वांछित अभियुक्त गणों को 1 किलो 250 ग्राम गांजा व 1 अवैध तमंचा, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13 नवंबर 2021 को थाना बरौर में गैंगस्टर एक्ट के तहत तस्लीम पुत्र यासीन निवासी अजनारी कोतवाली उरई जिला जौलान और निजाम पुत्र शराफत निवासी अजनारी कोतवाली उरई जिला जालौन पंजीकृत हुआ था, जो कि लगभग 10 माह से फरार चल रहे थे, जिन पर 10,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था, जिसे आज बरौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक के गिरफ्तार करने वाली टीम की सराहना करते हुए पुरस्कार देने की घोषणा की है। आज दिनांक 5 सितंबर 2022 को थाना बरौर जनपद कानपुर देहात के 10,000 के दो इनामी अभियुक्त, जिनके नाम तस्लीम और निजाम हैं, जो कि जिला जालौन के रहने वाले हैं और जिनके ऊपर थाना बरौर में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज थे, को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक किलोग्राम 250 ग्राम गांजा और 1 तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के पश्चात और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने के पश्चात इन्हें जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।